दोस्तों, इंडियन टीवी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे राज इस अभिनेत्री ने बताए हैं जिन्हें सुनकर आपको भी इंडस्ट्री वालों पर गुस्सा आ जाएगा। आज हम आपको वह राज बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर टीवी इंडस्ट्री में जाना और कोई ना कोई काम करना तो आसान ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एक्टर्स इन दोनों इंडस्ट्रीज में स्ट्रगल कर रहे हैं या जो पुराने एक्टर्स भी हैं, वह इस इंडस्ट्री की सच्चाई कुछ और ही बताते। कुछ नए एक्टर्स जिनका सिक्का बॉलीवुड में नहीं चल पाता तो वह सोचते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में चले जाएं क्योंकि वहां तो रोज की कमाई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में तो आपके काम की कमाई आपको काम करने के 90 दिनों के बाद मिलती है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से कई ज्यादा समय लेती है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस ने टीवी इंडस्ट्री के बारे में कुछ राज ऐसे खोले हैं जिन्हें सुनकर हर कोई दंग रह जाता है कि भारतीय टीवी इंडस्ट्री में ऐसे रूल्स कैसे हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, रूबीना दिलायक नाम की एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका एक्सपीरियंस टीवी इंडस्ट्री में कुछ खास बढ़िया नहीं रहा। उनका कहना है कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में नए एक्टर्स का शारीरिक शोषण किया जाता है, वैसे ही टीवी इंडस्ट्री में आपकी कमाई के साथ किया जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे टीवी इंडस्ट्री के किसी भी सीरियल में काम करने वाले एक्टर्स को उनकी काम की पेमेंट 3 महीने यानी 90 दिन के बाद दी जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 90 दिन के बाद भी आपको टाइम पर अपनी पेमेंट मिल जाएगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक्टर्स को अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए बार बार प्रोड्यूसर्स के ऑफिस जाना पड़ता है और ऐसे में बहुत हरासमेंट सहनी पड़ती है। ऐसे में एक्टर्स को पहले से ही मानकर चलना पड़ता है कि 3 महीने तक उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी सेविंग से ही काम चलाना पड़ेगा। तो बीना का कहना है कि जब वह टीवी सीरियल कर रही थी और शो ऑफ एयर हो भी गया था, लेकिन तब भी उनकी पेमेंट नहीं दी गई, जो कि उन्हें बहुत तरले करके लेनी पड़ी थी। बीना का कहना है कि यह एक या दो एक्टर्स के साथ नहीं, बल्कि हर किसी के साथ कभी ना कभी तो होता ही है और आपको बहुत इंतजार करवाया जाता है। इसमें उनका कहना है कि अगर कोई भी एक्ट्रेस टीवी इंडस्ट्री में आने के बारे में सोच रहा है तो पहले तो उसमें काफी पेशेंस भी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी रूबीना दिलायक के टीवी इंडस्ट्री के साथ रहे तजुर्बे की कहानी, जिसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। आपके टीवी इंडस्ट्री के नियमों के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।